आज है सोलह जुलाई और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ आज का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में दो क्विज करूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है तो विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है अंशुला कांत ये भारतीय हैं इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है अंशुला कांत वर्तमान में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रबंध निदेशक भी हैं ठीक है अब ये विश्व बैंक में फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगी अब जानिए विश्व बैंक के बारे में इसकी स्थापना 1944 में की गई थी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मल्पास मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जॉर्जीवा चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गोल्डबर्ग। कलराज मिश्रा किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं यह हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं अच्छा ये हिमाचल प्रदेश के कौन से राज्यपाल बने हैं उन्नीसवें राज्यपाल बने हैं कल्लराज मिश्रा इसके पहले कौन थे राज्यपाल आचार्य देवव्रत कलराज मिश्रा के बारे में बेसिक चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं तीन बार राज्यसभा सांसद और एक बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं 2014 से 2017 तक ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री थे ठीक है उत्तर है हिमाचल प्रदेश इसके बारे में जानेंगे हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत के पांच राज्यों को छूती है ये है हिमाचल प्रदेश इसकी सीमा जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से टच करती है एक कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है वो है चीन गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को क्षेत्रफल की दृष्टि से अठारहवें नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से इक्कीसवें नंबर पे है साक्षरता दर है बिरासी दशमलव आठ शून्य प्रतिशत नौ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं लोकसभा से चार राज्यसभा सीट तीन विधानसभा सीट अड़सठ और जिलों की संख्या बारह है मुख्य न्यायाधीश हैं वी राम सुब्रमण्यम राजकीय पशु है तेंदुआ राजकीय पक्षी है जूजू राना राजकीय वृक्ष है हिमालयी देवदार और राजकीय फूल है यहाँ का गुलाबी बुरांस लोक नृत्य है नाती तथा कयांग माला यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पिन वैले नेशनल पार्क इंदर किला नेशनल पार्क खेर गंगा नेशनल पार्क तथा सिंबल बारा नेशनल पार्क ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है पंडोह बांध लार्जी बांध तथा पोंग बांध ये ब्यास नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध कोल बांध तथा नथपा झाखरी बांध ये सतलुज नदी पर है एक चमेरा बांध है ये रावी नदी पर है अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मुक्केबाज ने अमेरिका के माइक स्नाइडर को हराकर पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार ग्यारहवीं जीत दर्ज की है किसने विजेंदर सिंह ने तो विजेंदर सिंह ने अमेरिका के माइक स्नाइडर को हराकर पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार ग्यारहवीं जीत दर्ज की है अच्छा ये बताइए कि विजेंद्र सिंह किस राज्य के हैं ये हरियाणा के हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं तो अफग़ानिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं राशिद खान तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने हैं ओ टेस्ट और टी इसके पहले ओ के कप्तान थे गुलब्दीन नाइब और टेस्ट के कप्तान थे रहमत शाह ठीक है अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए हैं राशिद खान बहुत ही प्रसिद्ध स्पिनर हैं ये आई भी खेलते हैं अच्छा किस टीम की तरफ से आई खेलते हैं ये सनराइज़र हैदराबाद की तरफ से आई खेलते हैं राशिद खान यहाँ पे हम अफगानिस्तान का बात किए हैं इसके बारे में जान लीजिए कैपिटल है काबुल राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी संसद का नाम है शूरा और मुद्रा का नाम है अफगानी निम्न में से कौन सा देश आईसीसी विश्व कप 2023 के तेरहवें संस्करण की मेजबानी करेगा तो 2023 में विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा भारत में किया जाएगा और वो तेरहवां संस्करण होगा अभी जो 2019 का वर्ल्ड कप था ये बारहवां संस्करण था किसने जीता है इंग्लैंड ने जीता है ठीक है पूरा मैच टाई हो गया था उसके बाद सुपर ओवर हुआ सुपर ओवर भी टाई हो गया तो ज्यादा बाउंड्री के हिसाब से विजेता घोषित किया गया इंग्लैंड को किसको हराकर इंग्लैंड विजेता बना है न्यूजीलैंड को हराकर और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में पहली बार विश्व कप जीता है इंग्लैंड हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को हराकर लगातार दूसरा विम्लेडन खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविक ने विमलेडन 2019 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है किसको हराकर रोजर फेडरर को हराकर मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि महिला एकल वर्ग विजेता कौन बनी है सिमोना हालेप बनी है रोमानिया की है सिमोना हालेप ने सेरेना विलियम्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और इस तरह से पहली बार विमलेडन का खिताब जीती है सिमोना हालेप और यह नोवाक जोकोविक जो है पांचवीं बार विमलेडन का खिताब जीते हैं और अपने करियर का सोलहवा ग्रैंड स्लैम का खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं रोजार फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं अगला क्वेश्चन है किन दो देशों के मध्य व्यापार को सहज बनाने के लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आवागमन के लिए एक जल मार्ग खोला है तो बांग्लादेश और भूटान के बीच व्यापार को सहज बनाने के लिए भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में एक जल मार्ग खोला है और यह पहली बार है जब भारतीय जल मार्ग का उपयोग दो अन्य देशों द्वारा व्यापार हेतु किया जाएगा इसके पहले बांग्लादेश और भूटान के बीच में जो व्यापार किया जाता था सड़क के माध्यम से किया जाता था अब हम यहाँ पे दोनों देशों के बारे में जानेंगे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लीजिए कई बार नदियों के बारे में पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है उनतीस किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है 916 किलोमीटर अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है ध्यान में रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है तिब्बत के निकट चेमायुंग दुंग में मैं लिख दे रहा हूं चेमायुंग दुंग में उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का और गिरता कहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलकर यानी गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है अब जानिए बांग्लादेश के बारे में सबसे पहले यह जानिए कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितनी राज्यों को छूती है मिजोरम त्रिपुरा असम मेघालय और पश्चिम बंगाल भारत के पांच राज्यों की सीमा से टच करती है बांग्लादेश की सीमा कैपिटल है ढाका प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना संसद का नाम है जातीय संसद मुद्रा का नाम है टाका अब जानिए भूटान के बारे में भूटान की सीमा भारत के चार राज्यों को छूती है सिक्किम पश्चिम बंगाल असम और अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है थींफू यहां के किंग हैं जिग खेसर नामग्याल वांगचुक प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे तेशेरिंग यहां की संसद का नाम है तोसोंगडू इंग्लिश में पार्लियामेंट मुद्रा का नाम है नोगुलट्रम ट्रम किस फार्मूला वन ड्राइवर ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब जीता है लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब जीत लिया है और इस वर्ष का इनकी ये सातवीं जीत है ठीक है और इस तरह से छठी बार इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं यूनाइटेड किंगडम के हैं और मर्सिडिस कार के ड्राइवर हैं ये हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद का इक्यानवे वर्ष की आयु में निधन हो गया ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे हुसैन मोहम्मद इरशाद। हाल ही में इनका निधन हो गया है उन्नीस से लेकर उन्नीस तक ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के ये आर्मी चीफ थे और उन्नीस में सेना के तख्ता पलट के कारण ये राष्ट्रपति बने थे ध्यान में रखिएगा चुनाव के कारण नहीं बने थे ये सेना के तख्ता पलट के कारण उन्नीस में राष्ट्रपति बने थे हुसैन मोहम्मद इरशाद। और आठ सालों तक ये राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के परिचालन पर भारत पाकिस्तान के बीच दूसरे दौर की वार्ता कहां आयोजित की गई थी वाघा में पाकिस्तान के वाघा में दूसरे दौर की वार्ता आयोजित की गई थी इस बैठक में भारतीय तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु समझौतों पर चर्चा की गई तथा पाकिस्तान हर रोज पाँच हजार भारतीय तीर्थ यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने की अनुमति भी प्रदान की है ठीक है तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है पाकिस्तान में है तीर्थ स्थल है सिखों का अगला क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव बने हैं बी एल संतोष इसके पहले कौन थे राष्ट्रीय महासचिव रामलाल थे अब उनकी जगह पर बी एल संतोष को भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बनाया गया है इसके पहले बी एल संतोष बीजेपी के संयुक्त महासचिव थे किस राज्य के हैं कर्नाटक के हैं बी एल संतोष अच्छा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं अमित शाह हैं और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है जे पी नड्डा हैं अमित शाह क्योंकि गृह मंत्री बन गए हैं इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और कार्यकारी अध्यक्ष हैं जे पी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा अच्छा बीजेपी के बारे में बेसिक चीजें जान लीजिए स्थापना कब की गई थी 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी वैसे भारतीय जनसंघ के नाम से इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी और 1977 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया था जनता पार्टी और 1980 में इसका नाम बदलकर रखा गया भारतीय भारतीय जनता पार्टी अगला क्वेश्चन है आचार्य देवव्रत निम्न में से किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं ये गुजरात के नए राज्यपाल बने हैं इसके पहले आचार्य देवव्रत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे अब हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कलराज मिश्रा बन गए हैं और आचार्य देवव्रत गुजरात के नए राज्यपाल बन गए हैं इसके पहले गुजरात के राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली तो ओम प्रकाश कोहली रिटायर हो गए है, हैं अब नए राज्यपाल बन गए हैं आचार्य देवव्रत अच्छा ये गुजरात के कौन से राज्यपाल हैं ये बीसवें राज्यपाल बने हैं गुजरात के अब जानिए गुजरात के बारे में अच्छा एक चीज़ बताइए भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है वो गुजरात की है ठीक है गुजरात की तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है भारत में गुजरात की सीमा तीन राज्यों को छूती है मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र गठन हुआ था एक मई 1960 को क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से नौ नंबर पे है साक्षरता दर है अठहत्तर दशमलव जीरो तीन प्रतिशत ये जितना भी आंकड़ा आपको बताता हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार बताता हूँ ठीक है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है नौ कैपिटल गांधीनगर मुख्यमंत्री विजय रूपानी राज्यपाल आचार्य देवव्रत लोकसभा सीट 26 राज्यसभा सीट 11 विधानसभा सीट एक जिलों की संख्या 33 है यहाँ का राजकीय पशु है एशियाई शेर राजकीय पक्षी है सारस इसे हंसावर के नाम से भी जाना जाता है विशाल फ्लैमिंगो भी कहा जाता है इसे राजकीय वृक्ष है आम राजकीय फूल है गलगोटा मैरी कहा जाता है इंग्लिश में मुख्य न्यायाधीश हैं अनंत कुमार सुरेंद्र राय दावे लोक नृत्य है डांडिया तथा गरबा गिर नेशनल पार्क ब्लैकबक नेशनल पार्क वंसुदा नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क सभी गुजरात में है मरीन नेशनल पार्क को गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर उकाई डैम ताप्ती नदी पर तथा धरोवी डैम साबरमती नदी पर स्थित है तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना आज मैं आप लोगों के सामने तीन हजार लाइक का टारगेट रखता हूं देखता हूं कि आप लोग मेरे लिए इतना कर पाते हैं कि नहीं तीन हजार लाइक का टारगेट रखा हूं आज का अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूं पहला क्वेश्चन था भारत और किस देश के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया था तो भारत और रूस के बीच में इसका आयोजन किया गया था सभी लोगों ने आंसर सही दिया था दूसरा क्वेश्चन था भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है अब आज का क्वीज करता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला क्वेश्चन है छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस आई कंपनी के साथ समझौता किया है दूसरा क्वेश्चन है तिहत्तरवां संविधान संशोधन सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं इसी तरह से डेली करंट अफेयर देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा